हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज फेशियल। जी हाँ, ऑरेंज फेशियल आप घर पर इजीली कैसे कर सकते हैं और फ्रेश ऑरेंज जूस से ही आपने ये फेशियल करना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं ये फेशियल कैसे होगा। और इसमें बहुत ही इजी से सिंपल से 4 स्टेप है और कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक ऑरेंज के। तो चलिए देखते हैं। और वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑरेंज फेशियल इस मौसम में क्यों शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरे पास एक्चुअली, मैं बता दूँ कि बहुत सारे ऑरेंज खाने के लिए मैंने मंगाए थे, तो अभी तो थोड़ा बहुत सीज़न चल ही रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक फेशियल भी आप लोगों से शेयर कर दूँ, जो कि बहुत ही ईजी से सिंपल से 4 स्टेप है, कुछ बहुत ज़्यादा सामान जुटाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइज, आपको इस फेशियल के लिए चाहिए सिर्फ एक ऑरेंज चाहिए, एक ऑरेंज सफिशिएंट होगा आपको वन टाइम फेशियल के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको फ्रेश ऑरेंज जूस ही लेना है, जो कि आपने घर पर तैयार किया हो वही लेना है। बाजार वाला आपने रेडीमेड जो ऑरेंज जूस आते हैं, पैक्ड जो ऑरेंज जूस आते हैं वो ना लें, क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं तो वो अच्छे नहीं होते हैं स्किन के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया है और इतना ऑरेंज जूस काफ़ी है वन टाइम फेशियल के लिए। और जो इसका छिलका बचा था वो भी मैंने इसका, ये देखिए, मिक्सर में मैंने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। मैंने इसमें जो इसका गूदा था ऑरेंज का वो मिक्स नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ छिलके का जो है पेस्ट बना लिया है स्मूथ सा, आप देख सकते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर क्लिंजिंग है, तो क्लिंजिंग के लिए हमें चाहिए सबसे पहले रॉ मिल्क। ये मैंने 1 चम्मच दूध ले लिया है, यानी कि रॉ मिल्क ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस इसमें ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये क्लिंजर हमारा तैयार हो चुका है। और ये देखिए, मैंने जो क्लिंजर बनाया था इससे अब आपने एक कॉटन बॉल ले लेनी है और उसके अंदर आपने इसे डिप करके थोड़ा सा स्क्वीज करने के बाद अपने फेस पर मैं इसे क्लिंज करूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी इस क्लिंजर से। और 2 से 3 मिनट तक आपने क्लिंजिंग करनी है कुछ इस तरह। और कोशिश कीजिए आप इस फेशियल को नाइट में ही करें या शाम के वक्त करें, जिससे कि आपको बाहर धूप में ना जाना पड़े, क्योंकि फेशियल के जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं वो नाइट में ही मिलते हैं, क्योंकि उसमें उस टाइम हमारी जो स्किन होती है काफ़ी रिलैक्स होती है, तो यू नो हमारी स्किन को टाइम मिल जाता है उन सभी प्रोडक्ट को अपने में एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सेकंड जो मेरा स्टेप है वो है स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा। आप चाहें तो, अगर चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन भी ले सकते हैं इसमें। और जब भी आप ये फेशियल करें तो आपके फेस पर कोई भी किसी भी तरह का मेकअप नहीं होना चाहिए, फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, और आप अच्छे से फेस वॉश करने के बाद ही इसे अप्लाई करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा स्क्रब रेडी है। और स्क्रब भी आपने 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करनी है, और इस स्क्रब से जितने भी आपकी स्किन पर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है ना नोज़ के आसपास भी, वो भी सब रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस पर 2 से 3 मिनट तक स्क्रब कर लिया है और अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। और थर्ड मेरा यहाँ पर स्टेप है, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मसाज जेल। और मसाज जेल के लिए हमें यहाँ पर चाहिए थोड़ी सी एलोवेरा जेल, ये देखिए। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट वाली एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऑरेंज जूस इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी मसाज जेल जो है तैयार हो चुकी है। तो मसाज जेल में देखा आपने कि मैंने इसमें एलोवेरा जेल और ऑरेंज जूस मैंने इसमें ऐड कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ ये जो मैंने इसके छिलके का जो मैंने तैयार किया था एक स्मूथ सा पेस्ट, इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी ये मसाज जेल तैयार हो चुकी है। मसाज जेल से भी आपने 5 से 10 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करनी है, और अपने आईज के आसपास यहाँ पर आपने मसाज जरूर करनी है। इससे आपके जितने भी डार्क सर्कल्स वगैरह होंगे वो रिमूव करेगा और आपके रिंकल्स को भी ये दूर करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो आपकी आंखों के आसपास पफीनेस होती है, यानी कि स्वेलिंग वगैरह, या अगर कुछ डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, तो उसे भी ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है।
और ध्यान रहे अपनी आंखों को आपने बचा कर करना है, अपनी आईज के अंदर नहीं जाने देना है इसे। तो ये देखिए मैंने 5 से 10 मिनट तक मसाज कर ली है, अब अपने फेस को वॉश करती हूँ। तो 4th स्टेप मेरा यहाँ पर है फेस पैक। फेस पैक के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, ये देखिए, यानी कि क्ले। तो इसे 1 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लेना है। आप चाहें तो बाज़ार में जो रेडीमेड पाउडर्स आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऐड करना है हमें ऑरेंज जूस। तो ये देखिए हमारा स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब मैंने जो फेस पैक तैयार किया था, अब मैं ये फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मुझे फिंगर की हेल्प से लगाना पसंद है। तो ये देखिए मैं इस फेस पैक को अपने फेस पर 10 मिनट तक लगाकर रखूंगी, और जब ये सूख जाएगा तो इसे वॉश कर लीजिए। ये दाग धब्बों को दूर करता है, प्लस ये स्किन को वाइटन अप करने का काम करता है, स्किन को ब्राइटन बनाता है, पिंपल्स को खत्म करने में भी हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर मैं स्किन टाइप की बात करूँ तो इसे हर स्किन टाइप वाले लोग भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तब भी आप इसे कर सकते हैं। बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एक बार अपने हाथ पर पैच टेस्ट ज़रूर कर ले। तो ये देखिए फेस पैक सूख चुका है, आपने इसे पूरी तरह नहीं सूखने देना है, थोड़ा सा हाफ ड्राई रखना है। तो ये देखिए ये सूख चुका है, और अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने अपना जो फेस पैक है वो भी वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पर। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लग रही है, बहुत क्लीन महसूस लग रहा है मुझे, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। और इस फेशियल को डियर आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा फेशियल है। और फेशियल के बाद अगर आप नाइट में जिस तरह के आप सोने वाले हैं, तो आप सोने से पहले इस फेशियल को करने के बाद और सोने से पहले अपने मॉइस्चराइज़र को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी स्किन का जितना भी मॉइस्चर होता है वो अच्छे से लॉक हो जाता है। प्लस आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा नरिश हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स या एक्ने डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, तो आप फेशियल के बाद एलोवेरा जेल लगाकर सोएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे भी आपको। तो देखा आपने कितना इजी था ऑरेंज फेशियल घर पर करना। तो ऐसा ही फेशियल आप भी ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। तो डियर ये था मेरा आज का ऑरेंज फेशियल, आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।